की भरपूर तालियों में इरफान आलम मोहतला रक्षा रक्षा दा मरवत राशा रक्षा राशा दा रक्षा राशा पमखा देशा मरवत राशा उमरवत खान राशा दिल तराशा उमरवत खान राशा दिल तराशा दा प्यार सर गुटी मगुरु नष्ट दे दल तरागले दे अक्सर दे कना तल तो पख्तुनी गुजार ना करी ब्याही पला सुखी खंजर दे कना ब्याही पला सुखी खंजर दे कना प्यार है लपे तराने सारी दुनिया है मरवत को ही जाने नहीं तेरे जैसा यहाँ शेर कोई वो मरवत खान ओ राशा दिल तराशा मरवत खान ओ राशा दिल तराशा ये आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इलेक्शन के दिनों में बहुत सारी तकरीरें आप सुनते हैं, बड़े इजहार ख्याल सुनते हैं, तकरीरों की हद तक होते हैं, लेकिन आपने देखा कि मरवत साहब ने जो काम इस इलाका में किए वो अपनी मिसाल आप हैं। आज तक उनकी खिदमत उनके काम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दावे बहुत किए गए और यहां तक दावे किए गए कि अब तो मैं आ रहा हूं, आइंदा मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं इतने काम करूंगा कि आप लोग खुद मुझे बुला के बोल देंगे। अब हालत इतनी पतली है और इनकी कांपे टांग रही है। इलाके के मसाइल और वसाइल हमारा काम है, गवर्नमेंट का काम है, मरवत साहब का काम है, लेकिन जो मसाइल है आपने देखा कि हमारे इलाका की हालत अभी भी कई दिनों से बारिश नहीं हुई और अभी भी कई गलियां और रोड गीले हैं, पानी भरा है। ये है हमारे इलाके की हालत और ये है इनकी खिदमत। बात यह है हमारे इलाके के मसाइल इसे डरे झुके नहीं है। ये सिविल लाइन के पानी के मसाइल, सफाई के, ये सबके सामने है। ये नजर आ रहा है कि हम गली से आ रहे थे, हालांकि सूख ही गई तो सर में एक जगह फिर पानी निकला हुआ है। ये इंशाअल्लाह ये सारे मसले मसाइल आएंगे, इंशाअल्लाह इन सबको हल करेंगे, इंशाअल्लाह आएंगे और पूरी इन गलियों के अंदर ब्रांच लाइने डाल के ये 19 घरों के सामने से कनेक्शन देंगे और अपने इलाके को इंशाअल्लाह हरा भरा करेंगे, इसलिए मसाइल हमारे हल होंगे। अभी मैंने सुना सुहेल बड़ी साहब ये कह रहे थे
यही पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं आप फसल बार वोट ले लो तो हम 10 ऊपर लेके हमने फिर तैयारी की है। तो इनको अभी तक पता नहीं लगा कि हम कोई चूड़ियों का कारोबार नहीं करते। जब अल्ताफ हुसैन अपने पूरे दौर में था उसके सामने में खड़ा हो गया तो ये क्या बेचते मैदान में खेलने के लिए नहीं आए, बातें सुनने के लिए नहीं आए। आज 30-35 साल हो गए इस इलाके में, ना कभी किसी के साथ ज्यादती की है, ना किसी का दिल दुखाया, ना ही किसी को ये इजाजत दी है तो हमारे साथ ज्यादती कर। तो मेरे नारे लगाते फिरते ध्यान भरना नहीं करते, मुझे नहीं पता कितने पानी में। तो हल जो है, मैं खाली अपनी यूसी की बात करता हूँ, अच्छी बनी यूसी थी, अच्छी बनी, यहाँ पानी भी आता था, सड़कें भी, ये भी मैं कहता हूँ पहले से, पर कम अज कम सड़कें बन रही थी, रिपेयर हो रही थी, पानी का निजाम भी था। तो अगर कम था पानी तो सबके लिए कम था, अगर ज्यादा था तो सबके लिए ज्यादा था। ये सिस्टम तो नहीं था कि हर गली में टैंकर फिरता है। अब क्यों नहीं पानी आता, एक बड़ा इतराज है कि जो पानी टैंकर में आ सकता है वो लाइन में क्यों नहीं आ सकता। अगर इस गली में 2 टैंकर आते हैं तो 2 टैंकर का पानी लाइन में डालो कि हर घर को मिले, ये क्यों नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता तो फिर पैसे कम से कम आएंगे। तो आपको मैंने टाइम ज्यादा लिया आप लोगों का, मेरी आपसे फिर ये गुजारिश है कि ये जो टीम मैंने आपको दी है इंशाअल्लाह ताला ये टीम आपके तवक्कुआत पे पहुंचेगी। आप इलेक्शन वाले दिन सुस्ती ना करें, आज हमने इलेक्शन देखी है 245 की, 10% करना हुआ, 10% अगर टर्नआउट होएगा तो क्या रिजल्ट आएगा और क्या वो लोग काउंट करें। आपसे खाली गुजारिश है एक दिन होता है थोड़ी सी तकलीफ करके सुबह जल्दी जाके अपना वोट कास्ट करें, मेरी माओ बहनों का वोट कास्ट कराएं और फिर काम हमसे। इसीलिए पढ़े लिखे लोग जो है ईमानदार लोग भूल के आए हैं कि भाई ये सही माने आप काम कर सके, इस इलाके के मसलों को समझते हैं। ये इधर सामने आजम कानून में रहते हैं, ये नाला पार रहते, इनको उधर के इलाकों का अंदाजा है, इनको इधर के इलाकों का मसलों का पता है, इसलिए ये टीम बनाई है। और ये बातें ये हमने किसी ने कहा कि जो सही गली काल से फेर रहा है, मैं तो भले फिरे, उसने जो वादे किए थे हमने तो कभी खड़े होकर वादे, मैंने तो कभी अपनी तहवीर कभी नहीं किए, मैंने कभी कहा था मैं सही भर्ती करूंगा, मैंने कहा था कि ये करूंगा, जब अल्लाह ने मौका दिया तो काम किया। आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, अगर चाहते तो वसाइल की कोई कमी थी, आखिर मेरे को वसाइल बनाऊ नहीं, मैं कैसे मेरे पास वसाइल आ गए कि 100 के हिसाब से एएसआई भर्ती कर दिए, 100 के हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट भर्ती कर दिए, 100 के हिसाब से माइंस एंड मिनरल के बागियात के अंदर लोग भर्ती कर दिए। वो इसलिए भर्ती हो सके कि पैसे कमाने का शौक नहीं था।